तो जैसे कि दोस्तों किया कि ये जबरदस्त पिकेंटो हैचबैक कार होने जा रही है भारत में अब लॉन्च, तो चलिए जानते हैं फीचर्स और कीमत के बारे में। किया मोटर्स जल्द ही ग्लोबल मार्केट में अपनी पहली हैचबैक कार लॉन्च करने वाली है। इस कार का नाम दोस्तों पिकेंटो होने वाला है और अब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इस कार की तस्वीरें लीक हो चुकी है, जिसमें इसके एक्सटीरियर को आसानी से देखा जा सकता है और इसके डिज़ाइन को भी समझा जा सकता है। दरअसल पिकेंटो ग्लोबल मार्केट में साल 2017 से ही मौजूद थी, लेकिन अब इस कार का थर्ड जनरेशन मॉडल लॉन्च करने की कंपनी तैयारी कर रही है, जिसे ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा। भारत में ये कार मौजूद नहीं है, ऐसे में ये कंपनी की पहली हैचबैक कार होगी जो भारत में लॉन्च की जाएगी। इस कार को हुंडई i10 की प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है, ऐसे में कार का लुक और फीचर्स काफ़ी हद तक i10 जैसे ही लगते हैं। दोस्तों इंजन और पावर की बात की जाए तो इसके अंदर पिकेट में आपको 1.0 लीटर की क्षमता वाला पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 67 PSP की पावर और 95 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। इस कार को 1.25 लीटर की क्षमता के साथ फोर सिलेंडर ऑप्शन के विकल्प के साथ लाया जाएगा, जिसमें आपको 83 PSP की पावर जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। और इस कार के अंदर दोस्तों आपको 4 स्पीड मैनुअली व ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक AMT का भी सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें कि इस कार को सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2020 में भी शोकेस किया जा चुका है और कंपनी उसी टाइम से ही इस कार को लॉन्चिंग की तैयारी कर रखी थी। अब भारतीय बाजार में दोस्तों इस कार को जुलाई के बाद ही लॉन्च किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो दोस्तों इस हैचबैक कार की स्टार्टिंग कीमत मात्र 4.60 लाख रुपीज़ से होने वाली है। अगर इसके टॉप वेरियंट की बात करें तो पिकेट की टॉप वेरियंट की कीमत दोस्तों 5.70 लाख रुपीज़ तक जाने वाली है। तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नई अपकमिंग कार आप सभी को कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।